बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा रही मोस्ट अवेटेड मूवी 2022 की अवतार द वे ऑफ वाटर आज हम सुनाने जा रहे हैं। डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन, आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। शुरू करने से पहले कहानी को थोड़ा रिकैप सुन लिया जाए। साल 2154, जब धरती पे सारे नेचुरल रिसोर्सेस खत्म हो रहे थे, धरती बंजर हो रही थी, तब रिसोर्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या RDA ने यहाँ से दूर हमारी ही तरह एक दूसरा स्टार सिस्टम ढूंढ निकाला, जिसका नाम है अल्फा सेंचुरी। इसके इर्द गिर्द 3 सूरज है और यही पैंडोरा नाम का एक ग्रह है, जहाँ धरती के बाद जीवन संभव हुआ है। इस विशाल ग्रह पे नीले रंग के बाशिंदे निवास करते हैं, जो तकरीबन 10 फुट लंबे हैं, जिन्हें नावी कहा जाता है। इनके शरीर की बनावट ही ऐसी है कि यह प्रकृति के ज्यादा करीब है, मगर धरती से आए लोगों को पैंडोरा में केवल एक चीज की चाह थी, ओनोबैटेनियम नाम का नेचुरल रिसोर्सेस, जिससे धरती दोबारा जी उठेगी और जिसकी कीमत अरबों में है। इस काम के लिए नावी लोगों के जेनेटिक्स से मेल खाते कुछ ऐसे लोगों का चुनाव किया गया, जिनके नावी हाइब्रिड शरीर बनाया गया। उन्हें ही अवतार कहा जाता है। इस टीम को पैंडोरा की धरती पर रिसर्च करने होंगे, जिसका लीडर युद्ध में अपाहिज हुआ जेक सली का भाई करने वाला था, जो एक साइंटिस्ट था, मगर बेवक्त मारे जाने की वजह से जेक सली को इस काम के लिए चुना गया, क्योंकि उसका जीन उसके भाई से मैच करता है। इसीलिए उसके बने नावी शरीर में जेक ही उतर सकता है। नावी शरीर में मानो जेक सली को नया जन्म मिल गया हो। जब डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टिन के नेतृत्व में उन्हें मिशन के लिए पैंडोरा के जंगल में उतारा गया, उनपे वहाँ के जानवरों ने हमला कर दिया, तब उमाटिकाया कबीले के नेत्री ने उन्हें बचाया और उनके प्रकृति माँ एवा के शुभ संकेत देख जेक को वो अपनी माँ और उनके स्पिरिचुअल लीडर मायोत के पास ले आई, जिसने जेक में कुछ खास देखकर नेत्री को उसे उनके कबीले के तौर तरीके सिखाने को कहा। धीरे धीरे जेक को उनके कबीले की कई बातें पता चली और नेत्री से उसे प्यार हो गया। यहाँ बेस में RDA का सिक्योरिटी फोर्स हेड कर्नल माइल्स ने जेक को नावी लोगों के बारे में, उस बड़े जमावड़े के बारे में पूछा, जो वो बड़े से ईवा पेड़ के नीचे करते हैं, क्योंकि उसी की जड़ों में है ओनोबैटेनियम नेचुरल रिसोर्सेस, जिसे उखाड़ वो रिसोर्सेस को हासिल करना चाहता है। यही इस पूरे मिशन का मकसद है। जब डॉक्टर ग्रेस, जेक और उनके साथियों को इस बारे में पता चला, उन्होंने वो बेस छोड़ एक आउटपोस्ट में ट्रांसफर हो गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि प्रकृति माँ एवा इन नावी लोगों के लिए कितना मायने रखती है। उन्होंने पैंडोरा के नावी लोगों का साथ दिया इस लड़ाई में और कर्नल माइल्स के खिलाफ खड़े हुए। बहुत बड़ी लड़ाई हुई, बहुत तबाही मची। इस लड़ाई में कर्नल माइल्स नेत्री के हाथों मारा गया। पृथ्वी से आए कुछ लोग जैसे जेक, डॉक्टर ग्रेस को छोड़कर बाकी को वापस लौटा दिया गया। घायल जेक और डॉक्टर ग्रेस को प्रकृति माँ ईवा की गोद में लिटा दिया गया, जहाँ जेक को इंसानी शरीर से मुक्ति मिल गई और वो हमेशा के लिए नावी शरीर में ट्रांसफर हो गया। जबकि डॉक्टर ग्रेस ज्यादा जख्मी होने की वजह से उसमें शक्ति नहीं बची कि इस माध्यम से गुजर सके और वो मरकर ईवा की गोद में समा गई। अब यहाँ से अवतार 2 की कहानी शुरू होती है। कई साल बीत गए, पैंडोरा में शांति लौट आई। युद्ध में नेत्री के पिता की मृत्यु के बाद जेक सली उमाटिकाया कबीले का नया सरदार चुना गया। नेत्री से उसे 3 संतान हुई, 2 लड़के, बड़ा निटेयम छोटा लोआक और सबसे छोटी लड़की टू। इसके साथ डॉक्टर ग्रेस के नावी अवतार से जन्मी किरी और एक इंसानी बच्चा स्पाइडर, जो कर्नल माइल्स का बेटा है। यही पैंडोरा में उसका जन्म हुआ, मगर बहुत छोटे होने की वजह से उसे धरती पे नहीं ले जाया जा सका और यही पैंडोरा में ही उनके बच्चों के साथ वो पला बढ़ा, मगर नेत्री उसे कभी दिल से नहीं अपना सकी। लेकिन उनकी ये शांति ज्यादा दिनों तक के लिए नहीं है। धरती पूरी तरह मर रही है। एक नए घर की तलाश में जल्द ही पैंडोरा के आसमान में तेज रोशनी दिखी, जो आने वाले अंधेरे की तरफ इशारा कर रहा है। इंसानों की पैंडोरा पे फिर से कदम रखते ही तबाही छा गई। उनके जंगलों को राख, वहाँ नया ऑपरेटिंग बेस ब्रिजहेड सिटी बनाया जा रहा है और इस बार वो कुछ ले जाने नहीं, यही रहने के मकसद से आए हैं। जेक के लैब रिकॉर्ड से एक और नावी हाइब्रिड शरीर बनाकर उसमें कर्नल माइल्स की कॉन्शियसनेस डाली गई, यानी दिखने में वो जेक के अवतार जैसा है, मगर दिमाग से वो कर्नल माइल्स है। जवाबी हमले में जेक और नेत्री के कबीले समय समय पर उनके RDA के अड्डों को गुरीला युद्ध नीति से नस्ते नाबूद करते रहते हैं। वो उन्हें यहाँ जड़े जमाने का मौका नहीं देंगे। यहाँ पैंडोरा में जेक के साथ कई साथी रुक गए थे, उनमें से कुछ के अवतार है और कुछ इंसानी रूप में ही है। उनका एक पुराना बेस भी है, जहाँ बच्चे अक्सर जाया करते हैं। यहाँ किरी की माँ यानी डॉक्टर ग्रेस के अवतार को रखा गया है। किरी अपनी माँ से यही मिलती है और उन्हें घंटों तक निहारती है।
स्पाइडर को भी मालूम है कि उसके पिता ने यहाँ कितनी तबाही मचाई थी, कितना गलत किया था नावी लोगों के साथ, इसीलिए वो अपने नाम के साथ उनका नाम जुड़ने पे भी शर्मिंदा महसूस करता है। मगर कर्नल माइल्स भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। जब वो मेन बेस पहुँचा, जनरल आर्डमोरे ने बताया पृथ्वी खत्म हो रही है और उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है कि पेंडोरा को इंसानों के लिए नए ढंग से तैयार करना होगा। पिछले साल भर से यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, मगर जेक सली के कमांड पर जमीनी और हवाई हमले उन पर होते रहते हैं, जिससे काम काफी धीमा पड़ गया है। और जब भी वो जवाबी हमले करने उनके हेलुलिया या उड़ते पहाड़ों पे पहुँचते हैं, पता नहीं कैसे उन्हें पता चल जाता है और वो वहाँ 10 मिनट भी नहीं टिक पाते। कर्नल माइल्स को मालूम है कि यहाँ राज करना है तो सबसे पहले जेक को रास्ते से हटाना होगा और उससे निजी हिसाब भी तो बराबर करने हैं, यानी अपने इंसानी मौत का बदला। वो जंगलों का जायजा लेने पुराने बेस पहुंचा, जहां उसकी मौत हुई थी। उसे वहां अपना कंकाल भी मिला, लेकिन बदकिस्मत से जेक के बच्चे लुआक, टू, कीरी और स्पाइडर भी वही मौजूद है। लुआक ने अपने पिता जेक को संदेश भेजा। जेक ने उन्हें तुरंत पीछे हटने को कहा, लेकिन वो पकड़े गए। कर्नल माइल्स को बच्चों की 5 उंगलियां देखकर पता चल गया कि वो जेक के ही बच्चे हैं, क्योंकि नावी लोगों की 4 उंगलियां होती है। और स्पाइडर को देखकर भी उसे समझ आ गया कि ये उसी का बेटा है। इससे पहले कि वो उन चारों को किडनैप कर अपने साथ ले जाते, नेट्री, जेक और उसके बड़े बेटे नटेयम ने उन पर हमला कर दिया। सब आजाद हो गए, पर वो स्पाइडर को ले जाने में सफल रहे। अब जेक और नेत्री ने दुखी मन से ये फैसला लिया कि उन्हें अपनी प्रजा, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए यहाँ से दूर जाकर छुपना होगा। कर्नल माइल्स उनके पीछे पड़ा है और सबसे बड़ी बात, स्पाइडर उनके पास है, जिसे यहाँ के बारे में सब पता है। इधर ब्रिजहेड सिटी मेन ऑपरेटिंग बेस में स्पाइडर पे टॉर्चर बढ़ने लगा। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी आधुनिक है कि स्पाइडर को कुछ बोलने तक की जरूरत नहीं, उसके सोचने भर से ही वो माटिकाया कबीले तक पहुँच कर जेक को पकड़ सकते हैं। मगर स्पाइडर डटा रहा। काफी देर से देख रहे कर्नल माइल्स ने मशीन बंद करते हुए कहा कि वो खुद स्पाइडर से बात करेगा। जनरल आर्डमोरे ने उसे चेतावनी दी, अब ये तुम्हारा बेटा नहीं है। कर्नल भले ही दिखाता ना हो, लेकिन उसे अपने बेटे की परवाह तो है। उसने स्पाइडर को अपनी तरफ करने के लिए उसे साथ रखने का फैसला किया। यहाँ जेक ने दिल पे पत्थर रखकर तुरुक माक्तों का पद छोड़ दिया और नए सरदार के चुनाव के साथ जेक और उसका परिवार एक नया घर ढूंढने निकल पड़ा। पेंडोरा के पूर्वी छोर पर उन्हें मेटकाइना का समुद्री कबीला मिला, जहाँ उन्होंने सर छुपाने के लिए सरदार तोनोवारी और उनकी पत्नी रोनाल से उतुरु यानी शरण मांगी। पर उन्हें भी मालूम है कि वो किससे भागकर यहाँ आए हैं। वो अपने पीछे युद्ध लेकर आएंगे और वैसे भी जंगल में रहने वाले कमजोर लोग समुद्री जीवन नहीं अपना सकेंगे। नेत्री ने अपने पक्ष में कहा, मेरा पति तुरुक माक्तो है, उनके अगुवाही में हम आसमान से उतरे लोगों से लड़े और जीते भी। यहाँ उनकी थोड़ी बहस हो गई, लेकिन आखिरकार सरदार तोनोवारी ने उन्हें उतुरु दी और रोनाल ने उनका समर्थन किया। जेक ने अपने बच्चों को समझाया कि यहाँ वो अच्छे से पेश आए। सरदार के बेटे आनोंग और बेटी सिराया को उन्हें यहाँ के तौर तरीके सिखाने को कहा गया। अब यहाँ पानी के नीचे कीरी के अलावा जेक के बच्चों में से कोई भी ज्यादा देर तक सांस रोककर नहीं रख पा रहा। कीरी हमेशा से ही प्राकृति माँ एवा को महसूस कर पाती है। उसे लगता है वो हर कहीं मौजूद है। पानी की रंग बिरंगी दुनिया में कीरी खो गई। एक दिन सरदार तोनोवारी का बेटा आनोंग और उसके दोस्त कीरी को परेशान करते हैं, क्योंकि वो अजीब सी है, खुद में खोई रहती है, जानवरों से बातें करती है। अपनी बहन को बचाने लुआक और नटेयम वहाँ आए और लुआक की उनसे हाथापाई हो गई। जब जेक को इस बात का पता चला, उसने लुआक को माफी मांगने को कहा, क्योंकि वो सरदार का बेटा है और उन्हें यहाँ के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना ही होगा। लुआक जब उसके पास गया, आनोंग उसे सैर के बहाने एक ऐसी जगह ले गया जहाँ अड्डा है एक खूंखार मछली का। उसे वहाँ छोड़ वो सब भाग गए। उस मछली से सामना होने पे उससे बचने की कोशिश करता लुआक को एक तुलकुन ने बचाया, जो आकार में बहुत ही बड़ी होती है और साथ ही काफी समझदार भी, इंसानों से भी ज्यादा। ये किसी भी भाषा को समझ सकता है। फिर लुआक ने उसके पंख में फंसा एक तीर देखा, उसने उसे निकालने में मदद की और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। शाम हो गई, सभी परेशान हैं। यहाँ आनोंग भी घबराया हुआ है। तभी लुआक अकेले वापस आया, लेकिन उसने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया, ये कहकर कि वहाँ जाने की जिद उसने की थी, जिससे अब आनोंग उसका अच्छा दोस्त बन जाता है, क्योंकि उसे भी पता है पिता की उम्मीदों में ना खरा उतरने का एहसास क्या है। अगले दिन लुआक ने उन्हें जान बचाने वाली तुलकुन के बारे में बताया। पता चला उसका नाम पायकान है और वो एक कातिल है। उसने अपने दल के कई तुलकुन को मारा है, जिस वजह से उसे उसके दल से निकाल दिया गया। वो एक बाघी है। सबने उसे आगाह किया कि दोबारा उसके पास ना जाए, लेकिन लुआक को ये बातें सुनकर विश्वास नहीं हुआ।
इधर कर्नल माइल्स बारीकी से यहाँ की हर चीज को एक नावी की तरह समझने की कोशिश कर रहा है, तभी वो जेक तक पहुँच सकता है। अब यहाँ सिराया किरी को लेकर पानी की गहराइयों में बसे समुद्री ईवा तक ले गई। जब किरी ने उसके साथ बंधन जोड़ा, उसके मन के सवाल उसे अपनी माँ तक ले गए। डॉक्टर ग्रेस, उसने पूछा, माँ मैं इतनी अलग क्यों हूँ? मैं ईवा माँ को और उसे ज्यादा महसूस कर पाती हूँ। क्या संदेश है उनका? मेरे पिता कौन थे? इतने में बंधन टूट गया और डॉक्टर ग्रेस फिर से खो गई। शायद अभी किरी के इन सवालों का जवाब मिलने का वक्त नहीं आया है। बंधन छूटते ही उसकी सांस फूलने लगी। उसे जल्दी से सतह तक लाया गया। जेक ने अपने पुराने दोस्तों को मदद के लिए बुलाया। ऊपर से भले ही सख्त दिखती हो रोनाल, पर किरी को होश में लाने में उसने ही मदद की। लेकिन इससे हुआ ये कि कर्नल माइल्स ने उन्हें ट्रैक कर पता लगा लिया कि जेक कहीं समुद्री कबीलों के बीच छुपा बैठा है। उन तक पहुंचने के लिए माइल्स समुद्री सेना के पास गया, जिसके हेड का नाम है माइक। अब कर्नल ने समुद्री कबीले की दिशा की ओर कूच किया, लेकिन किसी ने भी माइल्स को कुछ नहीं बताया, जबकि उन्हें पता है कि जेक मेटकाइना कबीले के पास है। गुस्से में माइल्स ने उनके घर जला डाले। दूसरी तरफ तुलकुन समुद्र का एक चक्कर लगाकर हर साल की तरह वापस लौटे। समुद्र के लोगों और तुलकुन के बीच एक अनोखा संबंध होता है। वो उनसे बातें कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, जैसे कोई सगा संबंधी कई रोज बाद घर लौटा हो। एकमात्र इंसान के पास ही दिमाग नहीं होता, ये तुलकुन पूरे समुद्र के गोताखोर हैं। इनकी जानकारी की मदद से ही समुद्री कबीलों का जीवन संभव है। लोआक ने एक बार फिर पाइकान के पास जाकर पूछा, तुम क्यों बाकी तुलकुन दल का हिस्सा नहीं हो? अब उसने लोआक को अपने मुंह में भरा, जहां उनकी यादें बसती है। बंधन जोड़ने पे लोआक वो सब देख सका जो वाकई में हुआ था। दरअसल पाइकान की माँ को आसमानी लोगों ने मारा था। उनकी मौत का बदला लेने पाइकान ने अपने दल के साथ उन पर हमला किया, लेकिन वो सभी हवाई हमलों से मारे गए, न कि पाइकान ने उन्हें मारा था। तब से वो अकेला रह गया, जबकि तुलकुन एक सामाजिक प्रजाति है। जिस तरह इंसानों को साथ चाहिए, उन्हें भी साथियों की जरूरत महसूस होती है। लोआक और वो एक जैसे हैं, जिसे हर कोई गलत ही समझता है। यहाँ माइक कर्नल को तुलकुन के शिकार पर ले गया। पहले तो तुलकुन के झुंड में से एक माँ और उसके बच्चे को अलग किया गया। माँ कभी अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाएगी, जिससे वो उनके जाल में फंस जाती है। तुलकुन के मुंह के अंदर से एक अमृत मिलता है, जो इंसानों की बढ़ती उम्र रोक देती है, और धरती पे इसकी बहुत कीमत है। बच्चे को मरने के लिए माँ के तैरते शव के पास छोड़ दिया गया। ये सब देख स्पाइडर को अपने पिता से और घृणा होने लगी। वो तुलकुन रोनल की थी। जब ये खबर मेटकाइना के लोगों तक पहुँची, तो इस हादसे ने पूरे कबीले को हिला दिया, और अब तक चुप बैठे लोगों ने जेक के खिलाफ आवाज उठाई। सरदार तोनुवारी ने भी कहा, अब तक युद्ध समुद्र के उस छोर पर होता था, और अब ये हमारे घर हमारे लोगों तक आ पहुंचा है। जेक बोला, देर ही सही, लेकिन उनका आना तय है। वो यहाँ राज करने आए हैं। आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी आएगी, इसमें कोई दोराह नहीं है। इसीलिए हाथ मिलाकर साथ में उनका मुकाबला करते हैं। अपने तुलकुन को आगाह कर दो, जिसके ऊपर भी ये लाल रंग का ट्रैकर दिखे, यानी उस तुलकुन को मार्क कर दिया गया है। अगला निशाना वही होगा। जल्द ही सब तुलकुन को सतर्क करने निकल पड़े। लोआक भी पाइकान को सतर्क करने निकला, क्योंकि वो हमेशा अकेला घूमता है और आसान शिकार है। पीछे पीछे सिरिया, आनोंग और तुक भी आए, लेकिन तब तक उस पर ट्रैकर लग चुका था। उन्होंने ट्रैकर तो निकाल दिया, लेकिन जल्द ही आसमानी लोगों के साथ कर्नल माइल्स वहां पहुंच गया, और भागने की कोशिश में तीनों पकड़े गए। पर तब तक लोआक जेक को आसमानी लोगों का उनका पीछा कर रहे हैं इसकी खबर दे चुका था। जेक और दोनों बारी अपने झुंड के साथ वहाँ पहुँचे। कर्नल माइल्स ने जेक को चुनौती दी, लेकिन इससे पहले कि कुछ समझ आता, पाइकान ने लोआक को बंदी देख हवा में एक बड़ी छलांग लगाई और उनके जहाज पे आ गिरा, जिससे जहाजी संतुलन बिगड़ गया। जेक की तरफ से हमला शुरू हुआ। निटेयम ने इसी मौके का फायदा उठाकर लोआक, सिरिया और बाकियों को आजाद कराया, लेकिन इस बीच उसे गोली लग गई और वो मारा गया। इधर कीरी और तुक को कर्नल ने दोबारा पकड़ लिया। नैतरी और जेक ने दोबारा उन पर हमला किया। कर्नल माइल्स के चाकू की नोक पर किरी है, और इधर स्पाइडर को नैतरी ने पकड़ लिया। मजबूरन माइल्स को किरी को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो मानता है कि स्पाइडर उसका खून ही इकलौता वारिस है। सभी जहाज के अंदर है और जहाज डूब रहा है। जेक और माइल्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और इधर डूबते जहाज में नैतरी और टुक फंस गए। जेक ने कर्नल माइल्स को घायल कर दिया और खुद बचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक सकता। तभी किरी को माँ ईवा ने रास्ता दिखाया, जिससे उसने नैतरी और तुक को बचा लिया। इधर लोआक और स्पाइडर जेक को ढूंढते हुए पहुँचे, और उसने अपने पिता को बचाया, लेकिन स्पाइडर ने ना चाहते हुए भी माइल्स को पानी से बाहर निकाला,
क्योंकि उसके लिए उन्होंने कीरी को छोड़ा था, पर वो उनके साथ नहीं गया और वापस अपने परिवार के पास आ गया। जेक ने बड़े बेटे नितेयम के बदले उसे अपना बेटा मान लिया। नितेयम का अंतिम संस्कार में उसे समुद्री ईवा माँ को सौंप दिया गया। जैसे हर इंसान उन्हीं से जन्मा है और मरकर उनके साथ ही एक हो जाता है, अब नितेयम उनके पास है। दोनों वारी ने उन्हें इस मेटकाइना कबीले का हिस्सा मान लिया। अंत में जेक और नैत्री ईवा माँ से बंधन जोड़कर अपने बेटे के साथ बिताए पलों को याद करते हैं। कहानी के कई हिस्से अब भी अधूरे हैं, कई जवाब नहीं मिले, जैसे किरी का जन्म कैसे हुआ, उसके पिता कौन है, क्या कर्नल माइल्स वापस आएगा, स्पाइडर ने अपने पिता की जान बचाई मगर क्या वो उनसे पहले की तरह नफरत कर सकेगा, क्या है जेक, उसके परिवार और वहाँ के लोगों का भविष्य। पेंडोरा में कितने ही राज से अभी पर्दा उठना बाकी है। ये कहानी यही खत्म हुई। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट प्यार पक्के से देते रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।